नमस्कार सभी को, मेरा राम राम। आज हम बात करेंगे गर्दन को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे ठीक रखें, गर्दन का दर्द कैसे है तो ठीक कैसे करें, और नहीं है तो क्या करें कि जिससे गर्दन का दर्द ना हो। सर्वाइकल बिकमिंग वेरी कॉमन नाउअडेज। छोटे छोटे बच्चे आते हैं 12 साल 15 साल जिनको गर्दन में दर्द है। डॉक्टर साहब एकदम से गर्दन अकड़ गई है जी, हिल ही नहीं रही है जी, बहुत दर्द हो रहा है जी, क्योंकि मोबाइल का यूज बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल के बच्चे वीडियो गेम्स खेलने लगे हैं। हमारी बहनजियाँ माताएं आती हैं 30-35 साल में, डॉक्टर साहब गर्दन हिल ही नहीं रही है जी, बहुत दर्द हो रहा है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप वीडियो गेम्स खेलने का कोई नया आपको चस्का तो नहीं लग गया? कह रहे जी हाँ जी, पिछले 10 दिन से जी डेली मैं वीडियो गेम्स खेलने लगी हूँ। तो उससे आपके गर्दन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। लगातार अगर आप गर्दन को ऐसे रखेंगे, मोबाइल ऐसे है, गर्दन धीरे धीरे शुरुआत में ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, धीरे धीरे आप अगर 15-20 मिनट लगातार यूज़ करें तो आपकी गर्दन का एंगल जो है चेंज होता रहता है और धीरे धीरे फिर ऐसे ही हो जाता है। इससे गर्दन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। अगर आपका जो सिर का वजन मान लो 8 किलो है, गर्दन आपने ऐसी रखी है, तो आपकी जो नेक के ऊपर स्ट्रेस जो वेट है ये 8 किलो पड़ रहा है। जैसे एंगल चेंज हुआ, ये जो वजन मान लो 8 किलो है, तो ये गर्दन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा 12 किलो का वजन पड़ेगा। और एंगल चेंज हुआ तो ये जो 8 किलो था, ये जो स्ट्रेस पड़ रहा था गर्दन पे, तो अब ये 15 किलो हो गया है। तो इससे गर्दन के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। धीरे धीरे उससे हड्डी रगड़ खाएगी, घिसेगी। और एंगल कम हुआ, गर्दन पे स्ट्रेस बढ़ा, वेट बढ़ा, उससे आपकी गर्दन की हड्डी घिसने लग जाएगी, गैप कम होने लग जाएगा। धीरे धीरे आपको डिस्क की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सर्वाइकल डिस्क इज बिकमिंग वेरी कॉमन नाउअडेज। गर्दन में अगर आपको स्लिप डिस्क हो गई है, जैसे कमर की डिस्क होती है, पाँव में दर्द आता है, तो आजकल गर्दन की डिस्क बहुत ज़्यादा दर्द कॉमन होती जा रही है बीमारी। गर्दन सर्वाइकल डिस्क, गर्दन में दर्द होना और हाथ में दर्द फैलना, हाथ में झंझनाहट, कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द है, गर्दन हिल नहीं रही है, कंधे में दर्द, पूरे हाथ में दर्द आ रहा है, झंझनाहट, चीटियाँ सी, करंट सा, सुनसुनापन, हाथों में झंझनाहट हो रही है, सुन हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसका मेन कारण है ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, रॉन्ग यूज ऑफ फोन्स, मोबाइल फोन्स। अगर इसका इस्तेमाल आप मोबाइल फोन का यूज थोड़ा सा कम करें, ऑप्टिमाइज करें और इसका सही इस्तेमाल करें, एंगल सही रखें, तो आपकी गर्दन ठीक रहेगी। दूसरा, जब हम काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, घर पे लेडीज़ खाना बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं, तो वो फ़ोन को ऐसे रख के बात करती हैं, ऐसे कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, सब्जी भी छोक रहे हैं, उससे आपकी गर्दन ख़राब हो रही है। आप एक बार में दो दो काम कर रहे हैं, उससे गर्दन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़े। एक तो आपका देखा आपने आगे झुकने वाला काम, जब भी आप नॉर्मल कोई मोबाइल को यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करें तो आपकी गर्दन धीरे धीरे नीचे होती चली जाती है, और जब आप काम कर रहे हैं ऐसे, लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं, लेडीज़ घर में काम कर रही हैं, सब्जी काट रही हैं, तो आप गर्दन मोस्टली लेडीज़ और जेंट्स ऐसे रखते हैं बच्चे, तो उससे गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आपको डिस्क की प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द होके पूरे हाथ में, कंधे में झंझनाहट होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। चक्कर भी काफ़ी मरीजों को आते हैं, अगर आपको गर्दन में के दर्द की वजह से चक्कर भी आ रहे हैं, गिडिनेस हो रही है, तो आपको ज़्यादा गर्दन का मूवमेंट नहीं करना है, सर्वाइकल कॉलर पहन के रखना है, गर्दन को ज़्यादा हिलाना नहीं है, बोलते समय ऐसे नहीं हिलाना है, मुँह से बोलना है। तकिए के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि तकिया लगाएं या ना लगाएं। काफ़ी मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब उन डॉक्टर साहब ने तो बोला कि तकिया ना लगाओ, नो पिलो, गर्दन में दर्द है पिलो छोड़ दीजिए। हम तो जी 5 साल से तकिया नहीं लगा रहे हैं जी, 5 साल पहले गर्दन में दर्द उठा था, एक किसी सीनियर बड़े डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने गर्दन के लिए दर्द के
तकिया लगाने के लिए मना किया, हमने तो जब से तकिया लगाना ही छोड़ दिया। आप थोड़ा सोचें, थोड़ा लॉजिक लगाएं। जब भी हम करवट से सोते हैं, अगर आप सीधा सो रहे हैं तो तकिया ना भी लगाएं, पतला सा तौलिया फोल्ड करके गर्दन के नीचे रख लें यहाँ पे, अगर आप सीधा लेटे हुए हैं। करवट से जब भी लेटे हुए तो इतना गैप नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है? इतना गैप भरने के लिए आपको पतला नरम तकिया लगाना ही पड़ेगा। तकिया जो लगाएं वो नरम होना चाहिए, पॉलीफिल या फाइबर का तकिया होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए, रुई का नहीं होना चाहिए। डबल तकिया ना लगाएं, गोल तकिया ना लगाएं, सिंगल सॉफ्ट पिलो शुड बी यूज्ड, प्रेफरेबली ऑफ पॉलीफिल और फाइबर, और एदर यू कैन यूज ए सर्वाइकल पिलो विच इज अवेलेबल इन ए केमिस्ट शॉप। दवाई की दुकानों पे एक सर्वाइकल पिलो भी आता है जिसमें कि एंगल अलग से होता है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप सर्वाइकल पिलो यूज करें, सर्वाइकल पिलो। तौलिया, अगर आपको तकिया लग इस्तेमाल नहीं करना है तकिया, तो आप तौलिया फोल्ड करके जब भी आप करवट से सोते हैं तो जरूर इतना गैप जो ये है उसको जरूर भरें, नहीं तो ये गर्दन का दर्द ठीक होने वाला नहीं है। आपने नोटिस किया है जब आप करवट से सोते हैं तो दोनों हाथ गर्दन ऐसे गिर जाएगी आपकी, तो दोनों हाथ लगाओगे तो हाथों में भी दर्द होगा, गर्दन पे जोर पड़ रहा है, तो आप ये गलती ना करें। कोई भी आपको ऐसे मना भी करता है तो आप अपनी कॉमन सेंस लगाएं, एटलीस्ट जब भी आप करवट से सोएं तो पतला नरम तकिया हमेशा लगाना ही चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। समझ में आ गया सभी को? तो ये सब फोन का ऑप्टिमम यूज, सही इस्तेमाल, तकिया सॉफ्ट जरूर लगाएं, और साथ में जो हम एक्सरसाइज अब सिखाने वाले हैं आपको गर्दन के लिए, क्या क्या वर्जिश करें घर बैठे बैठे, अपने वीकेंड्स पे करें, हॉलीडेज पे करें, ऑफिस में बैठे बैठे करें, तो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी गर्दन के अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये कंप्यूटर एज में, इस मॉडर्न एज में के साथ हम अपनी काम करते हुए कंप्यूटर लैपटॉप पे मोबाइल को यूज करते करते अपनी गर्दन को भी ठीक रख पाएंगे। अब हम वीडियोस कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान से इन वर्जिस को सीखें और अपने जीवन में अमल करें, प्रैक्टिस करें। काफी बातें हमें पता है, हम अमल नहीं करते, यही हमारी बीमारियों का, दुख का बहुत कारण है। हमारा चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नए नए इनोवेटिव न्यू आइडियाज, आपके जो डाउट्स हैं किंतु परंतु क्या करें, कुछ डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो आपको कंक्लूड करके हम लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको ये हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। शेयर करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिससे कि उनकी भी गर्दन मजबूत हो। गिव एंड टेक, दोगे तो मिलेगा। तो ज्ञान आपने दिया किसी को, अच्छा ज्ञान, रियल नॉलेज, एक्सपीरियंस 20 साल का, तो वो आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।